Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYBCOM Financial Accounting, and we are going to discuss about some of the important theoretical questions which is important from your exam point of view. तो आज हम सारे theory questions के बारे में discussion करने वाले कि जो आपके पेपर में जो थियोरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस है, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सभी टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर सिक्स का एग्जामिनेशन देंगे एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो थियोरी पूछा जाएगा 20 मार्क्स के लिए. तो आज हम ऐसे कुछ मैंने क्वेश्चंस लाए हैं जिनमें से आपके काफ़ी सारे थियोरी क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड अटेम्प्ट हो जाएंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं ऐसे लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस या इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोस चैनल पे लाता रहता हूँ. सो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थियोरी की बात करें तो 20 मार्क्स का थियोरी आपको पूछा जाएगा, जिस 20 मार्क्स के थियोरी में 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चंस होंगे, और उसके साथ अल्टरनेटिव एक और करके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. सो आपको पेपर में याद रखना है कि आपको शॉर्ट नोट्स ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाएंगे, और ये जो शॉर्ट नोट्स एक्सपेक्टेड होंगे ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो देर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट नोट्स विच कैन बी रिलेटेड टू योर पेपर, and that is liquidator's final statement of account. So if you just have an overview about the liquidator's final statement, ye liquidation ke chapter se pucha ja sakta hai. Then the second is limited liability partnership. To LLP ke upar bhi ek question ban sakta hai aapka. To limited liability partnership ka ek basic introduction aap prepare karke rakhe, so that is chapter se agar koi bhi question banta hoga to aapko wahan pe isse related aap usse answer likh payenge. Then the next question is monetary and non-monetary items. This question is related to your chapter of foreign exchange, accounting for translation of foreign currency. तो उसमें से भी ये जो शॉर्ट नोट है वो बन सकता है. Next is conditional and firm underwriting. तो conditional and firm underwriting के ऊपर भी question बनता है. This is related with your chapter of underwriting of shares and debentures. Then the next is methods of purchase consideration. मैंने एक ही क्वेश्चन यहाँ डाला है, मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन. एग्जामिनर एक स्पेसिफिक मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट आप अगर मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो आपको अगर कोई भी टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आया तो आपको उससे रिलेटेड आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी. नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच कैन रिलेट टू योर अमालगमेशन. तो अमालगमेशन से रिलेटेड यहाँ पे आप एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस देके आप उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी एलोबरेट कर सकते हैं, विच विल बी क्वाइट इफेक्टिव एंड एग्जामिनर कैन गिव यू गुड मार्क्स रिलेटेड टू योर शॉर्ट नोट एज कंसर्न. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ये भी अमालगमेशन से रिलेटेड ही है, मर्जर के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनता है. सो उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन दिया है परचेज मेथड ऑफ अमालगमेशन. सो वॉट एवर एंट्रीज वी आर पासिंग दैट एंट्रीज आर अंडर द परचेज मेथड ऑफ अमालगमेशन. तो परचेज मेथड ऑफ अमालगमेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी नेट लाइबिलिटी ऑफ द अंडर राइटर्स. दिस इज रिलेटेड विद योर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अंडर राइटिंग से काफी सारे शॉर्ट नोट बन सकते हैं, तो वो भी आप ध्यान से पढ़ के रखें. नेक्स्ट कैन बी अंडर राइटिंग कमीशन. तो अंडर राइटिंग कमीशन आपको पढ़ना है, उसमें यह पढ़ना है कि इक्विटी शेयर्स के लिए कितना परसेंट कमीशन होता है, डिबेंचर्स के लिए हाउ मच परसेंटेज फिक्स. तो ये सारी चीजों का आप अगर एक ओवरव्यू ले लेंगे तो यू कैन इजिली राइट इन द पेपर. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी आपको पढ़ना है. नेक्स्ट विल बी कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो LLP. तो कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप को अगर आप LLP में कन्वर्ट करोगे तो क्या प्रोविजंस होंगे, क्या कंडीशंस होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लेके रख सकते हैं. नेक्स्ट कैन बी मार्क एंड अनमार्क एप्लीकेशन. तो मार्क एंड अनमार्क एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इसका आपको बेनिफिट जो है वो ऑब्जेक्टिव में भी होगा. तो इतने क्वेश्चन को एक ओवरव्यू लेके चले, बिकॉज क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जाएंगे यू विल हैव ऑप्शंस व्हाइल राइटिंग द शॉर्ट नोट्स इन द पेपर, सो दैट इफ यू रीड दिस मेनी शॉर्ट नोट्स ऑल्सो यू कैन इजीली इसमें से जितने भी शॉर्ट नोट्स आपके पेपर में पूछे जाएंगे उसमें से आपको काफी सारे शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करने में काफी बेनिफिट मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा आपने पढ़ा होगा दैट विल हेल्प यू टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो.
Next will be external reconstruction. So in semester 5 we have learned a chapter called as internal reconstruction. Now it's external reconstruction, which will be also called as amalgamation. Then there is one more short note called as designated partner. Kafi important short note banta hai. Ye is bar aane ke chances kafi badh jate hai. To designated partner padke rakhna. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप वर्सेज LLP. तो पार्टनरशिप और LLP में क्या डिफरेंस है, पार्टनरशिप के कुछ प्रोविजंस, LLP जो है वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है पार्टनरशिप से रिलेटेड. तो अगर हम बात करें तो इनके बीच में का जो डिफरेंस है वो भी आप ध्यान से पढ़ के रखें. देन नेक्स्ट इज रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज रिलेटेड विद योर अमालगमेशन. तो रियलाइजेशन अकाउंट जो ओल्ड कंपनीज में होता है अमालगमेशन में वो भी पढ़ना है. नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज FEF. तो FEF अकाउंट के बारे में भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेके रखना है कि अगर आपके पेपर में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा गया तो यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दैट. नेक्स्ट कैन बी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में. और नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी एडवांटेजेस ऑफ LLP. तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. काफी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनका आप अगर थोड़ा सा भी ओवरव्यू लेके चले तो आप पेपर में इजीली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड उसका बेनिफिट आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी होगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूरा का पूरा थियोरेटिकल बेस के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है. सो दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज उसका बेनिफिट आपको लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोज जो मैं डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए. और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें. टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च बार में जाके ढूंढे लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM और चैनल को ज्वाइन करें, बिकॉज ये जो PDF है मैं वहां पे शेयर करने वाला हूं, तो वहां से आप ये PDF को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं. और एग्जाम से पहले काफी सारे रिविजनरी ऑडियोस, PDFs और जितने भी वीडियोज है उसका सभी का आपको लिंक वहां पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो आपको काफी उससे बेनिफिट मिल पाएगा. एंड आपको आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए. टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर. थैंक यू.